संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन संपन्न हो गया है। इस मंदिर के उद्घाटन में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। यह मंदिर पश्चिम एशिया में आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है। इस मंदिर के 7 शिखर हैं, जो 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में खाड़ी देश के लिहाज से ऊँटों की नक्काशी और राष्ट्रीय पक्षी बाज भी पत्थरों पर बना है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इम्प्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। दुबई अबू धाबी शेख जायेद हाईवे पर अल रहबा के पास बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS की ओर से निर्मित ये हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना है। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत लगी है। हाईवे से सटा अलवाकबा अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। बता दें, भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। मंदिर में नक्काशी के माध्यम से प्रामाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। मास्टर प्लान के डिजाइन को 2020 की शुरुआत में पूरा किया गया था। ऐतिहासिक मंदिर का काम समुदाय के समर्थन, भारत और यूएई के नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन दी थी। यूएई सरकार ने साल 2015 में उस वक्त ऐलान किया था जब प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वहां गए थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर निर्माण में इको फ्रेंडली तरीकों पर जोर दिया गया था।